हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंच विद प्रीति। आज हम पढ़ रहे हैं ला निगासियो का सेकंड पार्ट, नेगेटिव एक्सप्रेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल, वू फेट केल्क शोज सदिमॉन्च। ओके, यू डू समथिंग दिस संडे। ओके, नाउ If I have to make it negative, अगर मुझे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो जनरल रूल क्या कहता है कि वर्ब से पहले ना एट लगा दो और वर्ब के बाद पा लगा दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती यहाँ पर। I cannot write like this. Okay, तो अगर ये सेंटेंस गलत है, this is wrong. I cannot write pa and calculus shows together. ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो फिर क्या होगा सेंटेंस? वो न फेट रिया सदिमोच। ओके, तो हमने क्या नोटिस किया यहां पर कि पा और कैलकुशोस की जगह पर क्या आ गया? रिया। ओके, सो वो ना फेट रिया सदिमोच मीन्स कैलकुशोस विल चेंज टू रिया इन नेगेटिव। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये रगार्दे Quelque chose sur la télé. J'ai regardé quelque chose sur la télé. Now, to make it negative, je ne... Okay, na hum add karenge. Je ne rien regardé sur la télé. Je n'ai rien regardé sur la télé. Quelque chose again became rien, but इसमें हमने exception क्या देखी कि quelque chose की placement change हो गई, वो verb के first verb के just बाद लग गया। ठीक है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि रिया हमेशा वर्ब के जस्ट बाद लगेगा। इट डजेंट मैटर वेयर कैलकुशोज इज बीइंग प्लेस्ड। ठीक है, कैलकुशोज सेंटेंस में कहीं पर भी आए लेकिन वो जस्ट वर्ब के बाद लगेगा। तो ये रगार्दे कैलकुशोज का क्या बन गया? ये ने रिया रगार्दे स्यूरला टेले। क्लियर? ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज तुजूर। ओके, तुजूर मीन्स ऑलवेज। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मोनामी va toujours, il va toujours au cinéma. Okay, mon ami va toujours au cinéma. Now we have to make it negative. Mon ami ne va. अब मैं toujours, या मैं pas लिख के toujours नहीं लिख सकती हूँ, तो toujours will become jamais in negative. Okay, it will become Ne jamais. So, il ne va jamais au cinéma. Okay, so mon ami ne va jamais au cinéma. He never goes to the cinema. Okay, now let's take one more example. Okay, je visite. Je visite quelquefois sa musée. Ok. Je visite quelquefois sa musée. I used to visit sometimes this museum. Now to make it negative, je ne visite jamais sa musée. Okay, so jamais again, so quelquefois in negative it will also become jamais. Okay, so toujours and quelquefois both will become jamais, so you have to remember this. Okay, so je ne visite jamais ce musée. Okay, let's go on to the third one. Okay, so the third one is Quelque part. Quelque part means somewhere. Okay. So, quelque part in negative will change to nulle part. For example, demain,
नोज ईरों केल्क पर ओके दमा नोज ईरों केल्क पर टुमोरो वी विल गो टू समवेयर ओके नोज ईरों केल्क पर ईरों दिस इज फ्यूचर सैंपल ओके सो दमा टू मेक इट नेगेटिव दमा नू नीरों न्यूल पर ओके सो पा एंड कैल्क पार दे विल बिकम न्यूल पार नू नीरो न्यूल पार मीन्स विल नॉट गो एनीवेयर और विल गो नोवेयर ओके नू नीरो न्यूल पार ओके इज इट क्लियर नाउ ओके सो द नेक्स्ट वन इज केल क्या ओके केल क्या फॉर एग्जाम्पल जे व्यू खेल क्या लाबा ओके जे व्यू खेल क्या लाबा नाउ टू मेक इट नेगेटिव जे ने व्यू पर्सन लाबा जे ने व्यू पर्सन लाबा सो खेल क्या बिकेम व्हाट इट बिकेम person in negative like pa and kelkya it become person okay now one more example here like kelkya became person and one more thing becomes person tulamond what is tulamond tulamond is everyone okay someone will become no one and everyone will also become no one okay so this both will become person For example, tu le monde me voit. Everyone sees me. Okay. Now, you have to be very careful. जहाँ पर भी कैल क्या होगा वहाँ पर्सन होगा Similarly, जहाँ तू लमंद होगा वहीं पर पर्सन आएगा पर्सन यहाँ पर वर्ब के बाद नहीं आएगा तो बस इसकी प्लेस पर हम पर्सन लगा देंगे पर्सन न म वुआ ओके सो व्हाट डिड यू सी पर्सन यहाँ आ गया और पर्सन के जस्ट उसके साथ में न आ गया म और वुआ ओके वर्ब वही है उसके पहले न आएगा ही आएगा बट पर्सन सेंटेंस के बिगनिंग में आया क्यों क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो भी सेंटेंस के बिगनिंग में आया तू लमोंद ओके तू लमोंद म वुआ तू लमोंद विल बिकम पर्सन समवन एवरीवन सीज मी एवरीवन सी मी नो वन सी मी ओके क्लियर ओके नेक्स्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट वन ओके सो नेक्स्ट इज ऑनकोर ओके फॉर एग्जाम्पल इलिया ऑनकोर दे बिस्कुई ओके देर आर स्टिल सम बिस्किट्स नाउ लेट्स मेक इट नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि हमेशा वाय से पहले ही ना आता है इल न्या प्लू द बिस्कुई अब इसमें हमें कई चीज़ें नोटिस करनी है पहली चीज़ कि यहाँ पे एन ई नहीं आया एनोपोस्ट्रोफा क्योंकि वाई वॉबल है और वो वाई से पहले आया वर्ब से पहले नहीं लेकिन वाई और ए अलग नहीं होते हैं सो इल न्या ओके ना पा कैनॉट कम लाइक पा एंड ऑंकोर कैनॉट कम हेयर सो इल न्या ऑंकोर विल चेंज टू प्लू इल न्या प्लू One more thing you have to see. This is which article? Ilya encore de biscuit. There are still some biscuit. This is indefinite articles. Okay. Ilya plu de biscuit. Okay. There are no more biscuits. Okay. So you have to see this became the and pal like encore became plu. Okay. Ilya plu de biscuit. Sava? Okay. Okay. So next is. Déjà. Déjà means already. Okay. So, example. J'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé une erreur. Okay. J'ai déjà trouvé une erreur. I've already found an
error. Now let's make it negative. Je n'ai pas encore trouvé une error. अब यहाँ पर आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, एक चीज़ का यहाँ पे यून नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? यून मैंने आपको बताया था नेगेटिव में यून क्या चेंज हो जाता है, डी ई और डी अपोस्ट्रॉफ, तो यहाँ पे आएगा डी अपोस्ट्रॉफी बिकॉज आगे क्या है वॉवल. सो ज ने पास ऑनकॉर थ्रू वे देरर, सो देजा विल बिकम पास ऑनकॉर. ओके, देजा विल बिकम पास ऑनकॉर. ज ने वॉवल सो एन अपोस्ट्रॉफ, ज ने देजा का बन गया पास ऑनकॉर, ज ने पास ऑनकॉर थ्रू वे देरर. ओके, बी वेरी केयरफुल. ओके, दिस वॉज अ ट्रिक फॉर यू. ज ने पास ऑनकॉर थ्रू वे देरर. ओके, क्लियर. द नेक्स्ट वन इज ओके ए. अब इसे हम कैसे यूज करेंगे ये देखिए. जे लगा तो ए ला पिज्जा. जेम लगा तो ए ला पिज्जा. अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, मैंने यहाँ पे एंड लगाया, इसको नेगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? ज नेम नी लगा तो नी ला पिज्जा. अब हमने यहाँ पे क्या क्या नोटिस करना है देखिए. एक तो ना हमने लगा दिया, ल गातो से पहले मैंने क्या ऐड करा है, नी. ओके, ये नी का मतलब क्या होता है? नीदर नॉर. ओके, नीदर एंड नॉर, लाइक आई लाइक केक एंड पिज्जा, आई नीदर लाइक द केक नीदर द पिज्जा. ओके, सो ज नेम नी ल गातो नी ल पिज्जा. हमने यहाँ पे क्या, हमारा आर्टिकल रिटेन हुआ है. ओके, आर्टिकल नहीं चेंज हुआ है, ना ही हटा है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने एन अपोस्ट्रॉफ मीन्स न ऐड किया है, और नेगेटिव बनाने के लिए पा की जगह हमने नी और नी ऐड करा है. हमारा ईटी हट गया है, ईटी हमने यहाँ पर नहीं लगाया, ईटी हट गया है, रिमूव कर दिया है. ओके, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है. सपोज आपको ये बोल रहे थ्यू मोज द्यूपा ए थ्यूमोज द्यूपा ए द्यू शोकोला. ओके, अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे. थ्यू न मोज नी पा नी शोकोला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैंने इसमें क्या किया नेगेटिव बनाने का, मैंने न ऐड किया है, मैंने नी और नी ऐड करा है, लेकिन मेरा ईटी और मेरे पार्टिटिव आर्टिकल्स दोनों ही गायब हो गए हैं. ओके, मतलब कि जब डेफिनेट आर्टिकल होगा वो रिटेन होगा. ओके, और ईटी हट जाएगा, लेकिन अगर पार्टिटिव आर्टिकल है, पार्टिटिव आर्टिकल भी हट जाएगा. ओके, यहाँ पर हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. न ऐड हुआ, नी नी भी ऐड होगा, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल नहीं हिलते. डेफिनेट कभी भी चेंज नहीं होता, आपने कहा नेगेटिव में कभी चेंज नहीं होता, लेकिन पार्टिटिव आर्टिकल इस केस में ईटी वाले केस के अंदर वो हट जाएगा. ओके, वो नी के साथ नहीं लग सकता. ज ना मोज नी पा नी शोकोला. ओके, क्लियर. ओके, तो आप लोगों को इसमें एक रिवीजन करवा रही हूँ. कैलकुशोज विल बिकम न प्लस व प्लस रिया. ओके, सो कैलकुशोज विल बिकम रिया. तुजूर और कैलकफुआ विल बिकम न जमे, न प्लस व प्लस जमे. ओके, कैल्क पार वर्ब के बाद क्या ऐड हो जाएगा उसकी जगह पे, न्यूल पार, न व प्लस न्यूल पार. कैल्केया और तुलमोंद ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, पैसॉन. ओके, ऑनकॉर विल चेंज टू न प्लस लाइक न व प्लस प्लस. ओके, देजा पास ऑनकॉर. और इसके अलावा कुछ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रखना है कि अगर ईटी वाला केस है, ओके, और डेफिनेट आर्टिकल है, तो नी 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 तो ऐड हो गई होगा. ईटी दोनों केसेस में, पार्टिटिव आर्टिकल में और डेफिनेट आर्टिकल दोनों में ईटी रिमूव हो जाएगा, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल रिटेन होगा और पार्टिटिव आर्टिकल रिटेन
नहीं होगा. ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो. कोई भी डाउट हो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. ओके, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.